झलक दिखला जा सीजन 11 की विनर मनीषा रानी और एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी के दोस्त एल्विश को अनफॉलो करने के बाद मनीषा के खिलाफ एल्विश आर्मी ने चलाया ये ट्रेंड। एल्विश आर्मी ने की बड़ी साजिश, मनीषा को ट्रोल करने की साजिश हुई एक्सपोज। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, इस समय एल्विश की कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर की कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रोवर्सी मनीषा रानी की है? क्या ये कॉन्ट्रोवर्सी में मनीषा को ट्रोल किया जाना चाहिए? आखिर कैसे एक बार फिर एल्विश आर्मी का दो चेहरा हिपोक्रेसी सामने नजर आ रहा है? इस पे अब बहुत सारे मनीषा के फैंस जो हैं वो ओनली मनीषा मैटर हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं। जिस तरीके से मनीषा रानी को बार बार टारगेट किया जा रहा है, बेवजह मनीषा को टारगेट करना इस कॉन्ट्रोवर्सी में, जब मनीषा है ही नहीं। एल्विश आर्मी और कुछ एल्विश के फैन हैं जो लगातार, कुछ एल्विशा फैंस भी हैं जो मनीषा को इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी में ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मनीषा ने अनफॉलो कर दिया है एल्विश यादव को। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि मनीषा ने जो भी कदम इस समय उठाया है वो बिल्कुल सही है। इस समय जो एल्विश के बहुत खास दोस्त भी है ना, वो भी एल्विश के पक्ष में नहीं है। तो आखिर मनीषा इस कॉन्ट्रोवर्सी में क्यों बोले? क्या एल्विश यादव ने तब रोका रैंडम सेना को और पूरी की पूरी जितनी भी लॉबी एक्टिवेट हो गई है? जिस समय मनीषा की मॉर्फिंग की जा रही थी, जिस समय मनीषा को अब्यूज़ किया जा रहा था, जिस समय मनीषा को पता नहीं न जाने कैसी कैसी गालियां दी जा रही थी ट्विटर स्पेस में, ट्विटर में, क्या उस समय एल्विश यादव आए थे मनीषा को सपोर्ट करने? तो मनीषा आखिर इस समय एल्विश को क्यों सपोर्ट करे? बहुत सारे मनीषा के फैंस ये भी कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एल्विश आर्मी एक प्रोपोगेंडा चला रही हैं। पहले यही आर्मी थी जो ये कह रही थी एल्विश यादव को, मनीषा को अनफॉलो कर देना चाहिए, और जब मनीषा ने अनफॉलो कर दिया है तो इनकी हिपोक्रेसी आप देख सकते हो कि हिपोक्रेसी किस तरीके से एक्सपोज हो रही है। यहाँ आपके सामने स्क्रीनशॉट है और ये एल्विश आर्मी के कुछ बड़े बड़े पेजेस हैं किस तरीके से मनीषा को लेकर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि मनीषा को ज़्यादा से ज़्यादा हेट दिया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो इनके कमेंट की, मनीषा के कमेंट सेक्शन में सभी लोग मनीषा को ट्रोल कर रहे हैं, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अच्छी बात है वो ट्विटर पर नहीं है, इंस्टा पर उसको और भी ज़्यादा ट्रोल करो। ये मनीषा के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है एल्विश आर्मी का, ये जो करतूत है वो अब एक्सपोज हो रहा है। क्या मनीषा को इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी में घसीटना चाहिए? तो देखो, एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप न्यूट्रल हो तो आपको मनीषा और एल्विश को, अगर दोनों को सपोर्ट करते हो तो आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन आप बार बार इस तरीके की मनीषा को ट्रोल करना, मनीषा रानी के कमेंट सेक्शन में बार बार जाकर ये कहना कि एल्विश को अनफॉलो किया, मनीषा को अनफॉलो कर दो, भाई जब मनीषा की कॉन्ट्रोवर्सी है ही नहीं तो मनीषा क्यों बोले? और इस समय आपको ही पता है कि जो रैंडम सेना के साथ एल्विश यादव की कॉन्ट्रोवर्सी हुई है उसमें एल्विश का किस तरीके से नुकसान हो रहा है। लगातार एल्विश अपने फॉलोवर लूज कर रहे हैं और एल्विश के खिलाफ अब बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हिंदुस्तानी भाव जैसे लोग खड़े हो गए कि एल्विश ने गलत किया है, उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मनीषा को बार बार ड्रैग करना बिल्कुल गलत है, और इसीलिए कहीं ना कहीं ट्विटर पर ओनली मनीषा मैटर, मनीषा स्क्वाड जो है ओनली मनीषा मैटर चला रही हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप जाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन आर्मी वालों की जो करतूत है वो एक्सपोज हो और लोगों को पता चले कि जो मनीषा के कमेंट सेक्शन में हो रहा है नेगेटिविटी जो की जा रही है वो बंद होनी चाहिए। वो कौन करवा रहा है, क्यों करवा रहा है, ये सारी चीज़ें भी पता चलनी चाहिए। खुद एल्विश यादव भी अगर होंगे ना तो वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे कि मनीषा को आप ट्रोल करो, मनीषा रानी को आप गालियां दो सिर्फ इसलिए कि मनीषा ने इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी में एल्विश को अनफॉलो किया। एल्विश के खिलाफ उन्होंने कोई शब्द नहीं बोले हैं, एल्विश को किसी भी तरह से उन्होंने हेट नहीं दिया है, ट्रोल नहीं किया है। तो मनीषा की ट्रोलिंग आखिर क्यों की जा रही है, आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपिनियन। क्या आपको भी नहीं लगता है कि मनीषा को इस समय बार बार जिस तरीके से कमेंट सेक्शन में ट्रोल किया जा रहा है ये बंद होना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि ये हिपोक्रेसी है एल्विश आर्मी की, जो पहले मनीषा को हेट कर रही थी आज भी मनीषा के पीछे पड़ी है? उनका ये काम नहीं है कि वो रैंडम सेना से जाकर लड़ाई लड़े, लेकिन हाँ वो मनीषा रानी के कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर अब्यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जानना चाहूँगा इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी पर आपका ओपिनियन, और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।